नमस्कार, मैं कशिश और आप देख रहे हैं फोर्थ लड़ाई। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम प्रमुख जीतनराम मांझी ने ब्राह्मणों पर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिनके लिए मैंने वो बात कही थी उस पर कायम हूँ और एक बार नहीं हजार बार उन्हें अब शब्द बोलूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पंडित या ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं दी थी, हमने तो बस वैसे लोगों के लिए अब शब्द का इस्तेमाल किया था जो गलत ढंग से पूजा पाठ कराने आते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक बार क्या हजार बार उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता रहूंगा। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने माफी भी मांगी थी। बोधगया स्थित अपने फार्म हाउस पहुंचे हम प्रमुख जीतनराम मांझी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने बयान को नए अंदाज में पेश करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार नहीं हजार बार मैं उस शब्द को दोहराऊंगा क्योंकि वो कोई गाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने पंडित या ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं दी थी, मैंने तो बस वैसे लोगों के लिए अब शब्द का इस्तेमाल किया था जो गलत ढंग से पूजा पाठ कराने आते हैं, जिन्हें श्लोक और किताब से कोई मतलब नहीं है, केवल अखबार लेकर पूजा कराते हैं। वैसे लोग अपने आप को पुजारी कहते हैं, वैसे पुजारी के लिए उस शब्द इस्तेमाल किया गया था। हम प्रमुख ने आगे कहा कि ऐसे लोग होते हैं जो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं और पूजा भी कराने आते हैं। ये अनुसूचित और दलित टोले में जाकर पूजा के नाम पर पैसे लेते हैं लेकिन उस घर का खाना तक नहीं खाते और ना ही पानी पीते हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी नेता के जरिए उनकी जीप काटने वालों को 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा किए जाने के बयान पर कहा था कि ये उनका मामला नहीं है बल्कि बीजेपी इस मामले को देखे कि वह उस नेता के साथ क्या करेगी। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को लेकर एनडीए से जोड़ना नहीं चाहते। एनडीए यानी कि नीतीश कुमार से हमारा गठबंधन है, इसीलिए हम घटक दल का हिस्सा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने 18 दिसंबर यानी शनिवार को ब्राह्मण समाज को लेकर बयान दिया था। पटना में भूइया समाज के मंच से उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया। उनके इस बयान का वीडियो रविवार को वायरल हो गया। वीडियो में मांझी कहते नजर आए कि दलित समाज में आजकल सत्य नारायण भगवान की पूजा का प्रचलन काफी तेज हो गया है। जगह जगह ब्राह्मण जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं। हमारे समाज में ब्राह्मण, जिसके बाद उन्होंने गाली का प्रयोग करते हुए कहा, जाते हैं लेकिन खाना तक नहीं खाते, सिर्फ पैसा लेते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ये था पूरा वाक्य। ऐसे ही वीडियोस अपडेट्स के लिए बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल फोर्थ लड़ाई।